इमरान अब्बास पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक ऐसे बासलाहियत, मायानाज और बाकमाल एक्टर हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि सरहद पार भी खासे मशहूर हैं, जहां इनके काम को काफी सराहा जाता है। मेरा और हया का बचपन का साथ है, तुम उससे मुकाबला कैसे कर सकती हो? मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम क्यों आई हो यहाँ? यही वजह है कि इमरान ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपने काम की वजह से बेपनाह शोहरत और मकबूलियत हासिल की। देखो, मैं इन रस्मों को नहीं मानता। हम दोनों में से किसी ने भी अभी निकाहनामे पर दस्तखत नहीं किए। हमारे पास वक्त है कि हम उस गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद में पैदा होने वाले इमरान अब्बास बचपन ही से लिटरेचर यानी अदब और फनकारी में दिलचस्पी रखते थे। अपने परस्तारों के लिए या के बाद दीगर हिट ड्रामा सीरियल्स दिए, जिनमें अलविदा, दिले मुस्तर और मनु सलवा सरे फेरिस्त हैं। एक दिन तुझे सड़कों पे भीख मंगवाएगा ये, इंशाल्लाह। बस करते हैं, बहुत हो गई। अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है ना शाजिया के सामने, तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा था तुम्हारे बारे में, तुम एक उल्टे दिमाग की इनसिक्योर लड़की हो। इमरान अब्बास इस वक्त अपनी मेहनत और लगन की बदौलत कामयाबी के ऐसे मकाम पर हैं, जहां तक पहुंचना हर किसी का ख्वाब होता है। मजीद जानते हैं खुद इमरान की जबानी। मेरा बचपन थोड़ा सा और बच्चों से मुख्तलिफ इसलिए रहा कि मेरी फैमिली में लिटरेचर और अदब से बहुत ज़्यादा लगाव था हमारे घर वालों को। तो हमारे घर में जितने भी बड़े बड़े शायर उस वक्त के थे, उनका आना जाना था। जर्नी स्टार्टेड टुगेदर एंड आई हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द टीम, स्पेशली सुल्ताना वाज लाइक अ मदर लाइक फिगर टू मी। तो उनसे एक मेरा ताल्लुक और मेरा शुरू के बिल्कुल प्लेयर्स और हम टीवी के शुरू के प्लेयर्स एक ही हैं, तो इसलिए वो ताल्लुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद द टीम, विद द पीपल हु आर रनिंग दिस चैनल, मोमना भाभी, सुल्ताना आपा, मोमल भाभी, these all, Maimuna Sadiqi, just, you know, it's a whole long list, and I feel myself wonderful to be a part of this amazing group of people. One of the most difficult scenes, because I'm very bad at riding motorcycle, तो मुझे अभी भी याद है कि सनम अभी भी याद करके हंसती है कि उसमें था कि मुझे उसको लेके जाना था। तो उन्होंने, हम टीवी वालों ने एक खास तरह की एक गाड़ी डिज़ाइन की थी, जिसका जिसके ऊपर वो हमारी मोटरसाइकिल, आधी कटी हुई मोटरसाइकिल को प्लेस कर दिया जाता था। जो देखने वाले होते थे आसपास की सड़कें, ऑफकोर्स पाकिस्तान में तो आप सड़कों पर जब निकलते हैं तो फिर आपको वो वाला सिलसिला तो नहीं होता कि आपने पूरी ट्रैफिक को ब्लॉक करा दिया, तो सारी दुनिया में देख रही होती थी। और एक अजीब सी एक खलाई शटल के ऊपर बैठे होते थे, और मैं और सनम, और उसमें एक्टिंग भी करनी होती थी और एक दूसरे मुस्कुरा के भी देखना होता था। मलाल में मेरा रोल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, जो कि मैरीन जब्बार की डायरेक्शन थी। इट वाज शॉट इन न्यूयॉर्क, और उसमें वसल में एक मैंने नेगेटिव किया था, जो कि बहुत छोटा सा काम था। दैट वाज शॉट इन फ्लोरिडा, और वो भी मैरीन जब्बार का था, एंड मनोज सलवा, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया में शूट किया था। दीज थ्री आर वन ऑफ माई फेवरेट्स, लाइक थ्री ऑफ माई फेवरेट्स। ओल्ड एक्टर्स जिस तरह उज़्मा गिलानी हैं, जिस तरह कबीर साहब हैं, तलत हुसैन साहब हैं, इन लोगों को देख के आप सीखते हैं, इन लोगों के पास बैठ के आप सीखते हैं। प्रवीण शाकिर की गजल के तीन शेर हैं। अपनी तन्हाई तेरे नाम से आबाद करे, कौन होगा जो तुझे मेरी तरह याद करे। अपने कातिल की जहानत पे हैरान हूँ मैं, रोज़ एक मौत नए तर्ज की ईजाद करे। उसकी मुट्ठी में बहुत रोज़ रहा मेरा वजूद, मेरे साहिर से कहो अब मुझे आज़ाद करे। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत दुआएं, और इसी तरह प्यार करते रहिए और इसी तरह हम टीवी देखते रहिए।